ऐसे। वेरी गुड, ये फूल रही है ना ऐसे दो बार, तो A, B, C, D for danger, R for response, C for send the request. अब ये घूम के हाथ पे हाथ रख के देखा, हाथ नहीं फील हो रहा है, हाथ लगा के भी देख सकते हैं, धक्का आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हम होगा, अब आएगा कपड़े लूज करने में कंफ्यूजन आ गया। स्वागत जब अच्छा होता है तो एक्स्ट्रा मनी मांग रहे हैं गवर्नमेंट के अलावा, वो सब भ्रष्टाचार में आता है। दो बार सांस लेंगे, 30 बार चेस्ट को प्रेस करेंगे, 2 बार सांस लेंगे, ऐसे 1 मिनट के अंदर हमें 100 से 120 बार लेना है। ये नहीं कि हमको 1 मिनट में 30 बार लेना है, हमें 4 से 5 साइकिल उसको रिपीट करनी है 1 मिनट के अंदर। काम करवाना है सरकारी दफ्तर में और उसकी कीमत 5,000 रुपए है और कोई मेरे से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
सर झारखंड स्कूल के बाहर एक एक्सीडेंट हो रखा है तो आप तत्काल प्रभाव से यहाँ पे मैं सभी बच्चों की तरफ से और स्कूल के स्टाफ की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भगवान आपको सीपीआर वाली जानकारी और भ्रष्टाचार वाली जानकारी तो दोनों जानकारी के लिए आप इसकी रेट कितनी होनी चाहिए 100 बार एक मिनट में 100 से 120 बार होनी चाहिए इसलिए नहीं कि धीरे धीरे ऐसे ऐसे नहीं करना या फिर ऐसे ऐसे भी नहीं करना पे पहुंचा देते हो और वहाँ पे एक पुलिस का काउंटर होता है वहाँ पे अगर आप नोट उसकी रिपोर्ट दे देते हो तो सरकार टाइम पे पहुंचाने वाले व्यक्ति को इनाम देती है उसका सम्मान करती है आपको डरने की जरूरत जाएगा और डॉक्टर भी आपको शाबाशी देगा कि आपने सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचा दिया और सही टाइम पे पहुंचा दिया हम उसकी जा नहीं तो जाके डॉक्टर क्या बोलेगा सॉरी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसकी वजह से वो काम करना ही छोड़ देते हैं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है आप हमारे पास आइए हम आपकी मदद करेंगे तो ये सारे लोगों को और उसके थोड़े दिन बाद ही हमारे वहाँ पे कृष्णापुरी एरिया में एक इलेक्ट्रिक करंट से बच्चा करंट आ गया था और बच्चा गिर गया था तो वहाँ के बच्चों ने क्या गलतियाँ की ये सिर्फ देखने से या सुनने से नहीं होता इसलिए मैं यहाँ करवाती हूँ ताकि बच्चे जो गलतियाँ करे वापस आप उसको सुधार सकते हो यार आज की आम जरूरत है कुछ दिन पहले भी एसडीआरएफ की टीम आई थी जिन्होंने भी आपको जानकारी दी थी सीपीआर मतलब ये होता है कि अगर किसी भी बच्चे को छोटे बूढ़े जवान किसी को भी अगर हार्ट अटैक टाइप का कोई भी मैं डॉक्टर मंजू राठी राठी हॉस्पिटल किशनगढ़ सखी सहेली संस्था की संस्थापक और एनसीसी की राजस्थान की प्रेसिडेंट मैंने आज सीपीआर के लिए राजकीय विद्यालय तितारी में मनरेगा मजदूरों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी उसके साथ ही महिलाओं को महिला स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और उनके सवाल और जवाब जो भी क्वेश्चंस थे उनकी अच्छे से उनकी शंकाओं का निराकरण भी किया उसके बाद आज जाकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर बच्चों को और टीचर्स को और वहाँ उपस्थित महानुभावों को सीपीआर के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी गई थी और उसमें सीपीआर कैसे दिया जाता है सीपीआर की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप अरेंज करी थी और कई बच्चों को सीपीआर के ऊपर ट्रेनिंग देके उनको सीपीआर की असली वजह कैसे दी जाती है किन स्थितियों में दी जाती है और एक्सीडेंट के बाद हमें वहाँ से पलायन नहीं करते हुए उस इंसान की कैसे मदद की जाती है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी धन्यवाद।